कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला जारी रखा है। यूपी के अंबेडकर नगर में रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आम चुनाव के दौरान जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज तक उन्हें पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने जनता के साथ धोखा किया है। बड़े बड़े वायदे किए थे, 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, बुलेट ट्रेन बनाऊंगा, अलग 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 वायदे किए थे। और हिंदुस्तान अभी तक ठहरा हुआ है। 15 लाख कमाएंगे, युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? बुलेट ट्रेन की बात की थी, ट्रेन के दाम बढ़ा दिए।